संसार में सबसे बड़ा कौन है? एक बार अर्जुन अपने खास श्री कृष्ण के साथ वन में विहार कर रहे थे। अचानक ही अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया। उसने जिज्ञासा के साथ श्री कृष्ण की तरफ देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, क्या पूछना चाहते हो? पूछो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, सबसे बड़ी तो धरती दिखती है, पर इसे समुद्र ने घेर रखा है, मतलब यह बड़ी नहीं है। समुद्र को भी बड़ा नहीं कहा जा सकता, इसे अज्ञात ऋषि ने पी लिया था। इसका मतलब अज्ञात ऋषि बड़ा है, पर वे भी आकाश के एक कोने में चमक रहे हैं। इसका मतलब आकाश बड़ा है, पर इस आकाश को मेरी ब्राह्मण अवतार ने एक पांव से नाप लिया था। इसका मतलब सबसे बड़ा मैं ही हूँ, पर मैं भी बड़ा कैसे हूँ? क्योंकि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ, अर्थात सबसे बड़ा भक्त है। इस तरह भक्त के हृदय में भगवान बसते हैं, इसीलिए संसार में सबसे बड़ा भक्त है। अपनी इस कहानी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर कभी खुद को बड़ा नहीं कहता। ईश्वर भक्त के मन में वास करता है, उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकना व्यर्थ है। ईश्वर की चाह में मनुष्य को इसका स्थान देना गलत है। भगवा चोली के भीतर भगवान के दर्शन की इच्छा गलत है। ईश्वर सभी के भीतर है। अपने कर्म को सद्मार्ग पर ले जाना ही ईश्वर की भक्ति है। इसकी चाह में खुद को धोखा देना ईश्वर को धोखा देने के बराबर है। मनुष्य ईश्वर से डरता है, जो कि अर्थहीन है, क्योंकि ईश्वर भक्त को आशीर्वाद व दंड नहीं देता, बल्कि मनुष्य के कर्म उसे आशीर्वाद व दंड देता है। मनुष्य का जीवन उसके कर्म से तय होता है। ईश्वर मनुष्य का मार्ग नहीं बनाता, मनुष्य को अच्छे बुरे का विचार खुद करना होता है। और अगर प्रत्येक मनुष्य परहित का विचार होता है तो कभी गलत नहीं होता। आज के समय में मनुष्य भेचल का हिस्सा हो जाता है। किसी भी को व्यक्ति को संत का चोला पहने देखकर अंधे भक्त बन जाता है। अपने कर्मों का विचार किए बिना उस पाखंडी की बनाई राह पर जीवन बना लेते हैं। इस तरह हमारे देश में आए दिन आसाराम और रामपाल जैसे देशद्रोही सामने आ रहे हैं। इस तरह के सच के सामने आने से लाखों लोगों का जीवन आधारहीन हो जाता है और अविश्वास उसके जीवन में छा जाता है। देश के लिए सभी को जागने की जरूरत है। ईश्वर के रूप को सही तरह से समझने की जरूरत है। यह कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।